अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे आप सब। मैं भी ठीक हूँ आप सब की दुआओं की वजह से। वेलकम बैक टू अरीज की दुनिया, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स, गुड मॉर्निंग। नए दिन नई उम्मीद के साथ मैं करने लगी हूँ अपना व्लॉग शुरू। तो जी, सुबह का टाइम हो चुका है और आज ना मैं बहुत बहुत मज़ेदार सा नाश्ता कर रही हूँ। और आज ना भाई लाए थे बहुत मज़ेदार से पराठे, जो बहुत हमें पसंद हैं, हम नाश्ते में कभी कभी खा लेते हैं। तो आज वो हमारे घर में नाश्ते में आ चुके हैं और साथ में मैंने चाय भी बनाई है। और ये पराठे तो चाय के साथ बहुत बहुत ज़्यादा हमें सबको पसंद है। और यहाँ पर मैंने चाय भी बनाई है और चाय के साथ मैं पराठा लूँगी। और भाई ना सालन के साथ पराठा खाएँगे, क्योंकि भाई को सालन के साथ अच्छा लगता है। और साथ में यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से नाश्ता बन चुका है। मैंने बहुत मज़ेदार सी चाय बनाई है अपने लिए, दूध पत्ती चाय मैंने बनाई है और साथ में पराठे हैं। अब मैं करूँगी नाश्ता और नाश्ता करने के बाद ना मैं करूँगी कपड़े वॉश। और आज आपके साथ शेयर करूँगी अपने दिन भर की रूटीन। सुबह से रात तक मैं आपको अपनी रूटीन दिखाऊँगी। तो जी, नाश्ता मैंने कर दिया है, उसके बाद ना मैं करूँगी कपड़े वॉश। और आज मैंने कपड़े वॉश किए थे, सर्दी बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज तो हमारे पास भी सर्दी बहुत ज़्यादा थी और आप बताइएगा कि आपकी सिटी में कितनी सर्दी हो चुकी है। हमारे पास तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। और दिन के टाइम पर मैंने कपड़े वॉश किए थे, दिन को बहुत ज़्यादा अच्छी धूप निकली हुई थी, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कपड़े वॉश कर दिए हैं। और साथ में ना ड्रायर की वजह से बहुत ज़्यादा काम ईजी हो गया है, कपड़े जल्दी से सूख भी जाते हैं और धूप में जल्दी से मैंने फैला दिए थे कपड़े। और उसके बाद ना मैं अम्मी के लिए यहाँ पर बना रही थी फ़िश, अम्मी को बहुत अच्छी लगती है तो सोचा मैं फ़्राई करके अम्मी को दे दूँ। और यहाँ पर मैं कर रही थी फ्राई, बस सिंपल सा यहाँ पर मैंने एक पीस जो है वो फ़िश का ऐड कर दिया है कुकिंग ऑयल में। अब मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर दूँगी और फ्राई करने के बाद ना थोड़ा सा मसाला लगा कर, चाट मसाला और लाल मिर्च थोड़ी ऐड करके अम्मी को दे दूँगी। बहुत बहुत अम्मी को फ़िश अच्छी लगी थी। और ये ना रेस्टोरेंट से भी ऐसी मिलती है, बस फ्राई करते हैं और साथ में ना स्पाइसेस ऐड कर देते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी लग जाती है। और सर्दियों के मौसम में सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपको भी मछली फ्राई पसंद हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। तो जी, शाम का टाइम हो चुका है और भाई ऑफिस से आ चुके हैं। तो यहाँ पर ना मैं भाई के लिए फ्रूट रख रही थी प्लेट में, क्योंकि अच्छी तरीके से मैं वॉश करके फिर भाई को यहाँ पर फ्रूट दूंगी, क्योंकि भाई इस तरीके से खाते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाना उसको अच्छी तरीके से छील रही थी। और साथ में ना चीकू हैं और भाई को बस मैं ऐसे ही प्लेट में कटिंग करके भाई को दे दूंगी। और साथ में ना मैंने भी खाई थी आज ऑरेंजेस, बहुत बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से थे और बहुत ही ज़्यादा खटास वाला जायका था। मुझे बहुत आज अच्छी लगी थी ऑरेंजेस। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बेल के नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि मेरे नए आने वाले व्लॉग्स आपके पास आ सकें। मेरे जो व्लॉग्स हैं वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू। तो जी, आज ना मैं रात के डिनर में बना रही हूँ दाल चावल, जो सबके बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होते हैं और बहुत बहुत सबको पसंद है। तो यहाँ पर ना मैंने आज दाल बनाई है, पर रेस्टोरेंट स्टाइल से बनाई है और सबको बहुत अच्छी लगी थी। तो साथ में आपको भी यहाँ पर रेसिपी दिखा रही हूँ। सबसे पहले ना मैंने प्याज की कटिंग की थी और साथ में मैंने ऐड कर दिए हैं गरम मसाला। और उसके बाद मैंने अच्छी तरीके से फ्राई किए थे, बस थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ना मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। और टमाटर की मैं अच्छी तरीके से यहाँ पर भुनाई कर रही हूँ। और दाल को ना मैंने पानी में पहले ही भिगो के रख दिया था ताकि दाल जो है वो अच्छी तरीके से पानी में ही फूल जाए। जहाँ पर मैंने नमक शामिल कर दिया है, अब मैं कवर करके रख दूँगी ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। टमाटर में इसलिए मैं नमक शामिल करती हूँ क्योंकि मेरी अम्मी इसी तरीके से बनाती हैं, तो इसलिए मैं इस स्टेज पर नमक शामिल कर देती हूँ। और प्याज के साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया था और लहसुन अदरक के पेस्ट से बहुत 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 ज़्यादा दाल अच्छी बनती है। तो जी, यहाँ पर मैंने कवर हटा दिया है सालन का और टमाटर अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉफ्ट हो चुका है,
गल चुका है। अब मैं अच्छी तरीके से टमाटर की भुनाई कर रही हूँ और साथ में ना मैंने गर्म पानी रख दिया है चूल्हे पर, और गर्म पानी भी हम दाल में शामिल करेंगे। और जब टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके थे तो यहाँ पर मैंने मूंग की दाल जो है वो ऐड कर दी है। अब मैं अच्छी तरीके से यहाँ पर दाल की भुनाई करूँगी और दाल का जितना भी पानी है वो हम ड्राई कर देंगे। और साथ में स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, हल्दी पाउडर, गर्म मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और कनौर एक मैंने ऐड किया है। कनौर मैं ज़रूर शामिल करती हूँ। अगर आपके पास कनौर क्यूब ना हो तो आप चिकन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, इससे भी बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है। साथ में मैंने सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड कर दिया है और काली मिर्च पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया है। मैंने गर्म पानी शामिल कर दिया है दाल में। आप ये टिप ज़रूर याद रखिएगा, जब आप दाल बनाएं तो आप दाल में ना गर्म पानी शामिल कीजिएगा, इससे दाल बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो भुनाई भी हो चुकी थी, उसके बाद पानी शामिल हो चुका है। अब मैं दाल को कवर करके रख दूँगी यहाँ 10 मिनट के लिए, हल्की आंच पर मैं दाल को कवर करके रख दूँगी। तो जी दाल अच्छी तरीके से गल चुकी है। अब मैं शामिल कर रही हूँ स्प्रिंग अनियन और उसके साथ हरा धनिया, पुदीना। बहुत ही मज़ेदार सी यहाँ पर दाल बन चुकी है। तो जी यहाँ पर ना मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था इसलिए मैंने नमक भी शामिल किया है, और साथ में ना मैंने हाफ लीमू भी ऐड कर दिया है और लीमू का जूस मैंने ऐड कर दिया है। इससे बहुत ही ज़्यादा फ्रेश दाल बनती है और दाल में बहुत मज़ेदार सा जायका आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनी है। आप ना ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, मुझे यकीन है आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और दाल बनी हो तो, और साथ में ना दाल के साथ तो राइस बहुत अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर दाल के बाद मैं बनाऊँगी राइस। और अब बारी है तड़का लगाने की, तो दाल को मैं लगाऊंगी तड़का। और यहाँ पर मैंने लिया है पैन और पैन में मैंने शामिल कर दिया है कुकिंग ऑयल, और साथ में ना मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। और उसके बाद मैं शामिल करूंगी और उसके बाद मैं शामिल करूंगी सफ़ेद ज़ीरा। तो जी चावल भी मैंने पानी में भिगो के रख दिए थे 1 घंटा पहले, और यहाँ पर तड़का लग चुका है। साथ में मैं लगाऊंगी दाल में मैंने ऐड किए थे थोड़े से लाल मिर्च भी तड़के में शामिल कर दिए हैं, इससे बहुत ज़्यादा यमी टेस्ट आता है। तड़के में ना आप मसाले ऐड करेंगे तो दाल बहुत मज़ेदार सी बनती है। और अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर दाल बन चुकी है, और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ चाट मसाला। और मैंने ना कम ऑयल में दाल बनाई है, अगर आपको ज़्यादा ऑयल पसंद हो तो आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो जी यहाँ पर मैंने ली है डेगची, और डेगची में मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है और साथ में गरम मसाले ऐड कर दिए हैं, साबित गरम मसाले, और साथ में प्याज भी ऐड कर दिया है। प्याज जैसे ही थोड़ी सी पिंकिश हुई है तो उसके बाद मैंने पानी शामिल कर दिया है, और पानी शामिल करने के बाद ना मैं नमक शामिल करूँगी। और नमक मैं राइस में ज़रूर ऐड करती हूँ, थोड़ा हिसाब से रखती हूँ, और नमक से ही जायका अच्छा आता है। और साथ में मैंने ऐड कर दिया है हरा धनिया। तो जी पानी को उबाल आ चुका है, उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ राइस, और यहाँ पर राइस ऐड करने के बाद मैं अच्छी तरीके से राइस को मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद ना मैं राइस को करती हूँ दम पर, और दम पर मैं थोड़ी सी आंच करके फिर राइस को कवर करके रखती हूँ, और पानी भी ड्राई हो जाता है और राइस भी बहुत बहुत मज़ेदार से बन जाते हैं। और यहाँ पर जैसे ही पानी ड्राई हो गया था तो उसके बाद मैंने राइस को कवर कर दिया था, और कवर करके मैंने 5 मिनट तक राइस को दम पर लगा दिया है। और राइस को ना अच्छा सा दम आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर राइस को दम आ चुका है, और मैं आपको राइस की फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। हमारे चावल बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं और जायके में बहुत ही मज़ेदार से थे। तो जी दाल के साथ ना मैंने सैलड भी बनाया है और साथ में रायता भी बनाया है, और आपको अपनी प्लेट की फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी भी ली है और साथ में राइस, दाल और रायता है। आज का कॉम्बिनेशन बहुत मज़ेदार सा था, अल्हम्दुलिल्लाह से डिनर बहुत अच्छा बना था। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग, आज की डेली रूटीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।